मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, आरआर के हेडक्वार्टर नेवल हेडक्वार्टर पे हमारे सिक्योरिटी के लिए जो हमारी ड्यूटी यहाँ पे थी मेन गेट पे। तो जैसे ये आए थे गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था उनको शहीद कर दिया था, उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे दो बंदे थे, तीन बंदे हम थे, दो जख्मी हो गए थे, एक को गोली लग गई, दूसरा भी दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में, वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है, ये वादे सुनने में आया था मेरे को। तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी, वो पीछे भाग गए। तो दो बंदे उन्होंने बोला भाई दो बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो दो बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे, और दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मेरे उसको दो गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला, मैंने उसको सर पे गोली मारी, नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा दो बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया, फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। एक मिनट के वक्त के बाद में फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो किसी कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने। तो फिर मैंने बटन निशाना उसके सर का लिया, फिर उसके मैंने सर को गोली मारी जो उसके सर में लगी, उसके बाद में गिर गया। फैजान रुक जा, दूसरा कौन सा गेट है? वो गेट पे वाले कौन से?